हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड टाइप मॉसफेट को पढ़ेंगे जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होगा। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट को देख चुके थे, साथ ही साथ उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके करेक्टरिस्टिक को भी समझ चुके थे। ठीक, तो अभी तक अगर आप इन्हांसमेंट टाइप ऑफ मॉसफेट को नहीं देखे हैं तो पहले आप इन्हांसमेंट टाइप वाला मॉसफेट देख लीजिए, फिर उसके बाद डिप्लीशन टाइप ऑफ मॉसफेट देखिए, तब आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए जो आपके सिलेबस में हेडिंग दिया है वही हेडिंग मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। ठीक, किसके किसके लिए? एन चैनल एंड पी चैनल। ठीक, आपको पता ही है, पीछे बताया भी था कि जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होते हैं और जो इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एन चैनल, एक क्या होता है, पी चैनल। ठीक, तो वही चीज लिखा हुआ है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ेंगे, किसके किसके लिए, एन चैनल के लिए और पी चैनल के लिए। ठीक, तो मैं एन चैनल के लिए बताऊंगा, उसी के बिहा पर आप पी चैनल को भी समझ जाएंगे। ठीक, और जैसे ही हम लोग इसके वर्किंग को समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। कौन कौन सा करेक्टरिस्टिक? ड्रेन करेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए हेडिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इस वजह से आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। ठीक, तो आप पेशेंस रख के वीडियो को देखते हुए चलिएगा। ठीक, चूँकि मेरा कोशिश है सिलेबस जल्दी फिनिश किया जाए, इस वजह से जल्दी जल्दी अब थोड़ा मतलब एक एक वीडियो में दो दो टॉपिक को कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। ठीक, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं जिसको हम लोग पी टाइप सब्सट्रेट या पी टाइप बॉडी कहते हैं। ठीक, क्यों उसको हम लोग सब्सट्रेट या बॉडी कहते हैं, क्योंकि इसी पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्यूजन वगैरह करके एन रीजन क्रिएट करते हैं। इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, SiO2 का लेयर वगैरह लगाते हैं। मतलब ये जो हम लोग का पी टाइप मटेरियल होता है ये क्या करता है, एक फाउंडेशन का काम करता है, इस वजह से इसको हम लोग पी टाइप सब्सट्रेट या पी टाइप बॉडी कहते हैं। ठीक, अब इस पी टाइप रीजन में क्या करेंगे हम लोग, डिफ्यूजन के थ्रू इसके दोनों सिरों पर क्या करते हैं, एन रीजन को क्रिएट करते हैं। क्लियर? ठीक, और ये जो डिफ्यूजन हम लोग करते हैं, एन रीजन जो क्रिएट करते हैं, ये एक वेल शेप में क्रिएट करते हैं, मतलब कुएं के आकार का क्या करते हैं, एन रीजन क्रिएट करते हैं। ओके, अब इन दोनों एन रीजन को हम लोग क्या करते हैं, एन टाइप के मटेरियल से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एन चैनल कहते हैं। क्यों इसको हम लोग चैनल कहते हैं, क्योंकि इसी रीजन के थ्रू क्या होगा, कंडक्शन वगैरह होता है, मतलब इसी रीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव करते हैं, इसी रीजन के थ्रू क्या होता है, करंट वगैरह क्या करता है, फ्लो करता है। अभी आगे इसको आप समझेंगे। ओके, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, जो हम लोग का ये सब्सट्रेट है इसको क्या करते हैं, मेटलिक कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ से एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, इसको हम लोग सब्सट्रेट या बॉडी टर्मिनल कहते हैं। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का ये एन रीजन इधर का, इस पर क्या करते हैं, मेटलिक कॉन्टैक्ट करके एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सोर्स टर्मिनल कहते हैं। ठीक, फिर इधर जो एन रीजन है इसके ऊपर ही मेटलिक कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ से एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेन टर्मिनल कहते हैं। ठीक, और ड्रेन और सोर्स के बीच का जो रीजन है उसको बीच में क्या करते हैं, हम लोग SiO2 का कोटिंग करते हैं और इस SiO2 के कोटिंग के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग मेटलिक कॉन्टैक्ट लगा के एक और टर्मिनल निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गेट टर्मिनल कहते हैं। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, अब कल आप इन्हांसमेंट टाइप वाला मॉसफेट देखे थे तो कल भी कुछ हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो पढ़े थे और यहाँ जो पढ़ रहे हैं उसमें एक अंतर है। कल आप देखे थे कि वहाँ पर इनिशियली ये चैनल नहीं था, स्टार्टिंग में ये चैनल नहीं था, लेकिन आज इस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, इस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में स्टार्टिंग में ही चैनल क्या है, बना हुआ है। ठीक, तो ये दोनों मॉसफेट में क्या है, अंतर है। ठीक, डिप्लीशन टाइप में स्टार्टिंग में ही क्या रहता है, चैनल रहता है। इन्हांसमेंट टाइप में स्टार्टिंग में चैनल नहीं रहता है। हम लोग इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में क्या करते हैं, चैनल को इन्हांस करते हैं। ठीक, स्टार्टिंग में चैनल नहीं रहता, इस वजह से उसको हम लोग इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट कहे थे। ठीक, लेकिन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में स्टार्टिंग में ही क्या रहता है, चैनल रहता है। इतना चीज़ क्लियर, दोनों मंत्र क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्या है, ये जो रीजन है एन रीजन है, ये बॉडी क्या है, पी रीजन है। ये जो रीजन है एन रीजन है, बॉडी क्या है, पी रीजन है। ये जो रीजन है एन रीजन है, बॉडी क्या है, पी रीजन है। इधर एन रीजन, बॉडी पी रीजन, इधर एन रीजन, बॉडी पी रीजन। इसका मतलब क्या होगा, जब दो डिफरेंट मटेरियल आपस में इंटरफेस करेंगे तो क्या होगा, डिप्लीशन रीजन क्या होगा, यहाँ पर
बनेगा, यहाँ पर क्या होगा डिप्लीशन लेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा तैयार हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो क्या होगा ऐसे कुछ यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर। ठीक, डिप्लीशन इनहांसमेंट में अंतर क्लियर। ठीक, डिप्लीशन में स्टार्टिंग चैनल है, इनहांसमेंट में स्टार्टिंग चैनल नहीं होता है, चैनल को हम लोग इनहांस करते थे इस वजह से उसको इनहांसमेंट टाइम मॉस्फेट कहते थे। और इस डिप्लीशन में क्या है स्टार्टिंग में चैनल है, अब क्या है यहाँ पर ऐसे डिप्लीशन लेयर कुछ स्टार्टिंग में क्या है बन चुका है, वहाँ पर चैनल को हम लोग इनहांस करते थे तब ऐसा डिप्लीशन लेयर क्या होता था फिर बनता था। क्लियर, अब देखिए क्या होगा, अब अगला टारगेट हम लोग का क्या है, अब अगला टारगेट ये है कि ड्रेन से सोर्स की तरफ क्या किया जाए करंट को फ्लो किया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे ड्रेन और सोर्स को बैटरी के थ्रू क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे। ठीक, ऐसे क्या करेंगे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ड्रेन पे बैटरी का पॉजिटिव और सोर्स पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे और इसको हम लोग VDS नाम दे देंगे। क्यों ड्रेन पे पॉजिटिव लगा रहे हैं, क्योंकि ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट फ्लो कराना है, तो क्या होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो करेगा, तो इस वजह से ड्रेन को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से और सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है N रीजन है। ठीक, इसमें क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन वगैरह रहेंगे। ठीक, साथ ही साथ जब बैटरी जोड़े हैं इधर से भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे इधर। ठीक, तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है चैनल में वो क्या होंगे इस ड्रेन पर पॉजिटिव पोटेंशियल होने के नाते इन इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा अट्रैक्ट किया जाएगा ड्रेन द्वारा, इन इलेक्ट्रॉन को ड्रेन द्वारा क्या किया जाएगा अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक, मतलब जो ड्रेन करंट होगा वो क्या होगा कुछ ऐसे फ्लो करेगा। ठीक, ऐसे क्या होगा फ्लो होते हुए ऐसे क्या होगा सोर्स की तरफ जाएगा। क्लियर, इतना चीज क्लियर कि ऐसे ड्रेन करंट फ्लो करने वाला। अब देखिए ये जो रीजन है यन रीजन है, ये जो ड्रेन टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर रिवर्स बायस वाला केस आ गया। अब जब रिवर्स बायस होगा तो क्या होगा डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ते जाएगी। ठीक, तो कुछ इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, शुरू में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट किए क्या होगा शुरू में बैटरी कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर अट्रैक्ट किए जाएंगे, क्या होगा ड्रेन करंट क्या होगा फ्लो होना शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा क्या होगा डिप्लीशन रीजन, जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा क्या होगा यहाँ पर रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता हुआ जाएगा, और जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता हो जाएगा क्या होगा इस डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ती हो जाएगी। मतलब कल जो केस हम लोग देखे थे कुछ वैसा केस क्या होगा ऐसे जनरेट होते हुए चला जाएगा। क्लियर, ऐसे क्या होगा डिप्लीशन रीजन ऐसे क्या होगा बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक, और इसको अगर हम लोग बढ़ाते जाएँ तो क्या होगा एक ऐसा कंडीशन आएगा कि वो क्या होगा पिंच ऑफ वाला कंडीशन पहुंच जाएगा, और जब पिंच ऑफ वाला कंडीशन पहुंच जाएगा तो वहीं से क्या होता है जो हम लोग का ड्रेन करंट है वो सेचुरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब ऐसे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये जो पिंच ऑफ वाला केस है ये तीसरी बार हम लोग पढ़ रहे हैं, JFET में पढ़े थे कल इनहांसमेंट में पढ़े थे आज फिर पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लियर, क्या बताया कि शुरू में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे तेजी से चैनल चौड़ा था स्टार्टिंग में तो क्या होते ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्या थे इस ड्रेन टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट किया थे, तो तेजी से क्या हो रहा था जब VDS का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे थे तो तेजी से हम लोग क्या पा रहे थे कि ID बढ़ रहा था। लेकिन इस VDS के वैल्यू को इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो पॉजिटिव पोटेंशियल है बढ़ता जा रहा है, मतलब इधर का जो एरिया है वो ज़्यादा रिवर्स बायस हो रहा है, मतलब इधर क्या होगा डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ती जाएगी और VDS को बढ़ाते जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो डिप्लीशन रीजन है पिंच ऑफ वाले कंडीशन पहुँच जाएगा चुटकी वाले कंडीशन पहुँच जाएगा, तो वहाँ से हम लोग का जो ड्रेन करंट है वो क्या होगा सेचुरेट हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। ठीक, अब एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग क्या किए थे, कल जब ये कंडीशन इनहांसमेंट टाइम में पाए थे तो वहाँ पर गेट और सोर्स टर्मिनल क्या था बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड था, लेकिन आज गेट और सोर्स टर्मिनल क्या है किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, ना बैटरी के पॉजिटिव से ना बैटरी के निगेटिव से, इसका मतलब क्या है ये दोनों आपस में क्या है सेम पोटेंशियल, मतलब इनको सिंपली हम ऐसे वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, और सेम पोटेंशियल मतलब क्या अभी हम लोग का VGS क्या है 0 वोल्ट पे है। VGS 0 कब होगा जब VG किसके बराबर हो VS के बराबर हो, मतलब गेट और सोर्स क्या है 0 पोटेंशियल पे हैं, तब भी हम लोग को क्या हो रहा है आज ड्रेन करंट क्या हो रहा है मिल रहा है। ठीक, कल हम लोग देखे थे कल जब VGS पॉजिटिव कर रहे थे तो चैनल इनहांस हो रहा था तब जाके हम लोग का VDS को बढ़ाने पर ड्रेन करंट मिल रहा था, लेकिन आज किसी तरीके के इनके बीच बैटरी नहीं लगा हुआ है, मतलब गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है, तब भी क्या हो रहा है हम लोग को ड्रेन करंट मिल रहा है। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर, मतलब ये जो डिप्लीशन टाइप MOSFET है इसको हम लोग VGS = 0 वोल्ट पर भी ऑपरेट करा ले रहे हैं।
क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम इस VGS को क्या करें पॉजिटिव पे ले जाएं, अगर VGS के वैल्यू को हम लोग क्या करें कुछ पॉजिटिव कर दें, मतलब इसके बीच अगर हम क्या करें बैटरी कनेक्ट कर दें, गेट को बैटरी के पॉजिटिव से और सोर्स को बैटरी के नेगेटिव से, मतलब ये हम लोग का कुछ VGS ऐसे अब हो गया। तो क्या होगा जब ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा बात, जब गेट बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो क्या करेगा, ये जो यहाँ पी रीजन जो है, ये जो पी टाइप मटेरियल है आपका, इसमें क्या है होल मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं, साथ साथ क्या है इलेक्ट्रॉन कुछ हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। और कल का केस याद करिए, कल बताया था कि जब VGS का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाते हैं पॉजिटिव में तो क्या होता है चैनल की चौड़ाई बढ़ते जाती है, ठीक। तो वही चीज़ आज यहाँ पे भी है, जब VGS के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, ठीक, और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या करेगा नीचे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता जाएगा और जो चैनल है उसकी चौड़ाई को क्या करेगा बढ़ाते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा इन्वर्जन शुरू हो जाएगा, जो पी रीजन है वो एन रीजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक। साथ ही साथ अगर VGS को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इन एटम के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के भी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जो इधर का रीजन है वो क्या होगा एन रीजन होता जाएगा, मतलब चैनल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी तो क्या होगा और ड्रेन करंट की जो मात्रा होगा और क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक। मतलब ये हम लोग का VGS इक्वल टू जीरो पर ये मिल रहा है करंट, ठीक, ये VGS इक्वल टू जीरो पे करंट मिल रहा है, ठीक। अगर VGS पॉजिटिव हो जाएगा तो जो ड्रेन करंट है वो क्या होगा और ज़्यादा हम लोग को मिलने लगेगा। क्यों और ज़्यादा मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो चैनल है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, और जब चैनल की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगे VGS के उसी वैल्यू के लिए क्या होंगे ज़्यादा अमाउंट में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ फ्लो करेंगे, और ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या होगा ज़्यादा अमाउंट में ड्रेन करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो इसका नाम हम लोग देख रहे हैं ये VGS इक्वल टू जीरो पे भी ऑपरेट हो रहा है और VGS इक्वल टू पॉजिटिव पोटेंशियल पे भी ऑपरेट होता है डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट, ठीक। अब देखिए इसका एक खूबी और है, अगर हम लोग VGS को क्या करें VGS, एक चीज़ देखिए यहाँ पर मैं बताना भूल गया हूँ, इन दोनों टर्मिनल को जैसे हम लोग कल शॉर्ट सर्किट किए थे ना, वैसे ये दोनों क्या रहते हैं आपस में शॉर्ट सर्किट रहते हैं, ठीक। ये शॉर्ट सर्किट इंटरनली आपस में क्या रहेंगे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक, स्टार्टिंग में इसको बता देना चाहिए था, ओके। तो ये क्या रहेंगे आपस में शॉर्ट सर्किट रहते हैं, सेम पोटेंशियल पर रहते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है, अगर हम लोग VGS के वैल्यू को क्या करें VGS के वैल्यू को निगेटिव कर दें तब भी क्या होगा ये MOSFET जो है हम लोग का तब भी क्या होगा ऑपरेट करने लायक रहेगा, ठीक। अगर देखिए शुरू में ही चैनल था तो क्या स्टार्टिंग में VGS इक्वल टू जीरो पे ही क्या करंट मिलना शुरू हो गया था, अगर इसको निगेटिव करेंगे तो ये टर्मिनल क्या होगा निगेटिव होगा, तो जब ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एन चैनल में उनको क्या करेगा रिपेल करना शुरू कर देगा, उनको रिपेल करना शुरू कर देगा, ठीक, उनको रिपेल करना शुरू कर देगा, और साथ ही साथ जो होल है पी टाइप में उनको क्या करेगा ट्रेड करना शुरू कर देगा, मतलब क्या होगा यहाँ पर रिकम्बिनेशन होने लगेगा, और जब रिकम्बिनेशन हो लगेगा तो क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं आपस में रिकम्बाइन हो जाएंगे न्यूट्रल एटम बनाने लगेंगे तो क्या होगा चैनल की चौड़ाई घट जाएगी। अब साफ साफ ऐसे देखिए ना, जब यहाँ पर निगेटिव हम लोग लगाएंगे, जब VGS को निगेटिव करेंगे तो निगेटिव जो है वो क्या करेगा जो चैनल में इलेक्ट्रॉन वगैरह थे, ठीक, एन टाइप का मटेरियल है चैनल हम लोग का, ठीक, तो क्या करेगा उनको रिपेल करने लगेगा और होल को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो आपस में वो क्या होंगे रिकम्बाइन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है उनका संख्या घटते जाएगा, जिससे क्या होगा चैनल की चौड़ाई घटते जाएगी, और जब चैनल की चौड़ाई घटेगी तो कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर से उधर जाएंगे, मतलब क्या होगा कम ड्रेन करंट फ्लो करेगा, क्लियर। चैनल की चौड़ाई क्या होगी घटते जाएगी तो कम ड्रेन करंट फ्लो करेगा, मतलब जब VGS क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ड्रेन करंट ज़्यादा रहेगा, और जब VGS निगेटिव रहेगा तो ड्रेन करंट क्या होगा घटना शुरू हो जाएगा। क्यों घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चैनल चौड़ाई घटना शुरू हो जाएगी, ठीक। आप याद करिए इंटर में पढ़े हुए हैं, अगर कोई कंडक्टर ऐसा है, ठीक, और कोई कंडक्टर ऐसा है तो क्या होता है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, दोनों अगर सेम मटेरियल से बने हुए हैं कंडक्टर तो जो पतला वाला होता है इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है इस मोटे वाले से क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक। तो जब चैनल हम लोग का चौड़ा है, इस चीज़ को ऐसे ही समझ सकते हैं, जब चैनल चौड़ा रहेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा कम रहेगा, लेकिन जब चैनल पतला रहेगा तो कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मतलब क्या होगा कम ड्रेन करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब पतले वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक, क्योंकि कम करंट फ्लो करा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जब गेट को हम लोग निगेटिव सप्लाई करेंगे चैनल की चौड़ाई घटेगी तो कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर जाएंगे, इस वजह से क्या होगा हम लोग का यहाँ पर क्या होगा इस वजह से यहाँ पर निगेटिव लगाने पर क्या होगा कम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, क्लियर।
ठीक। तो इसमें देखिए तीनों तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। जब VGS जीरो है तब भी VDS लगाने पर करंट फ्लो करेगा, जब VGS पॉजिटिव है तब भी हम लोग VDS को क्या करेंगे लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। अब जैसे जैसे VDS को बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, ये हम लोग का ड्रेन करंट बढ़ता जाएगा, फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यहाँ से क्या होगा सेचुरेशन करंट मिलने लगेगा। फिर जब VGS निगेटिव होगा तब भी करंट मिलेगा, ठीक। VGS मान लीजिए निगेटिव सेट के चैनल चौड़ाई घटा हुआ है कुछ, ठीक। फिर क्या करना है VGS को बढ़ाते जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा करंट मिलेगा, लेकिन अब जल्द ही हम लोग का करंट क्या होगा कम वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जल्द ही हम लोग को सेचुरेशन पॉइंट मिलने लगेगा क्योंकि ऑलरेडी चैनल हम लोग का क्या था पतला हो चुका था, ठीक। रियलाइज कर रहे हैं सब चीज़ ना, ऑलरेडी पतला हो चुका था। और यही चीज़ आप याद करिए जब VGS निगेटिव वाला जो केस है ये किसका केस है, यन चैनल JFET का केस है, याद करिए। उसमें क्या होता था जो VGS रहता था वो निगेटिव होता था, मतलब इसका VGS निगेटिव इसका बिहेवियर कुछ ऐसा ही होगा जैसे यन चैनल JFET के केस में होता था, ठीक। और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा ब्रेकडाउन कंडीशन भी आ सकता है, क्लियर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मतलब ये डिप्लेशन टाइप MOSFET केस में ये तीनों तरीके के वोल्टेज के साथ क्या हो सकते हैं ऑपरेट हो सकते हैं, ओके। तो अब जारी डिटेल में नहीं जा रहा, लेक्चर फालतू में लंबा होगा, इतना चीज क्लियर, ठीक। अब जो लिखवाना है उसको पहले फिगर साइज बनाते हैं फिर उसको समझा देते हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग डी MOSFET के कंस्ट्रक्शन को देखे थे, अब एग्जाम में क्या लिख कर आना है उसको देख लेते हैं और फिर आगे समझते हुए चलेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक। ये जो कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए है, यन चैनल के लिए है, ठीक। ये यन चैनल डी MOSFET के लिए, उसी के बिहाव पर आप पी चैनल को भी लिख सकते हैं, आगे बता भी देंगे, ठीक। यन चैनल डी MOSFET के लिए, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लीशन टाइप MOSFET फॉर यन चैनल, यहाँ अंदर में देखिए यन चैनल डाल दिए, ठीक, इज सोन इन फिगर फर्स्ट एंड इज सिमिलर टू दैट ऑफ इन्हांसमेंट टाइप MOSFET एक्सेप्ट इट पजेस एक्स्ट्रा रीजन बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल, ठीक। इस चीज को समझाया भी था, देखिए फिगर फर्स्ट में, ये जो फिगर फर्स्ट है इसको थोड़ा और ऊपर लिख दें नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ओके। ये हम लोग का क्या है फिगर फर्स्ट है, ठीक। इस फिगर फर्स्ट में देखिए क्या है डिप्लीशन टाइप MOSFET को क्या क्या दिखाया गया है जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। इसमें देखिए क्या है, ये पूरा का पूरा इन्हांसमेंट टाइप MOSFET की तरह ही है, बस एक जगह क्या है ये उससे डिफरेंट है, कहाँ पे ये जो रीजन है जो आपस में क्या कर रहे हैं इन दोनों को जोड़ रहे हैं वो बस इसमें क्या है डिफरेंस है, उसमें हम लोग क्रिएट करते थे इसमें स्टार्टिंग में क्या है यन चैनल बना हुआ है, ठीक। बस ये डिफरेंस है, वही लिखा गया कि एक्सेप्ट इट पजेस एक्स्ट्रा रीजन, यही क्या हम लोग का एक्स्ट्रा रीजन है इन दोनों के बीच का सोर्स और ड्रेन के बीच का, ठीक, बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल। इज इट क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, दिस मीन्स दैट द टू कंडक्टिंग रीजन ऑफ सोर्स एंड ड्रेन, ठीक, जो क्या है यन टाइप के हैं आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया यन चैनल, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो यन टाइप के मटेरियल हैं इनको क्या किया गया है एक चैनल द्वारा कनेक्ट किया गया, ठीक, वही चीज यहां पर लिख दिए हैं, ठीक। ये दोनों जो कंडक्टिंग रीजन क्यों कनेक्टिंग करें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं वो क्या करेंगे फ्लो वगैरह करके करंट का कंडक्शन वगैरह करेंगे, ठीक। तो इन कंडक्टिंग रीजन को जिससे हम जोड़े हैं वही क्या हम लोग का यहाँ पे यन चैनल बना हुआ है, इतना चीज क्लियर। अब हम लोग इसके वर्किंग को देखेंगे, ठीक। देखिए नोट छोटा लिखवा रहा हूँ, अगर आपको मन करे तो आप समझ चुके हैं, एक्स्ट्रा अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक। और बहुत ज़्यादा डीपली समझाने भी नहीं गया हूँ आज, क्योंकि कल का लेक्चर काफ़ी लंबा बन गया था, ठीक। इस वजह से कोशिश किया कि कम समय में आपको चीज़ों को समझाया जाए। अब देखिए आप क्या लिखे हैं वर्किंग लिखे हैं, ठीक। तो वर्किंग में देखिए क्या लिखे हैं, द सर्किट डायग्राम ऑफ यन चैनल डी MOSFET इज सोन इन फिगर टू, ठीक। ये क्या हम लोग का सर्किट डायग्राम है, नीचे कट जाएगा लिखूंगा तो, इस वजह से फिगर टू यहाँ पे मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक। ये क्या है यन चैनल MOSFET का क्या है सर्किट डायग्राम है, ओके। फिर देखिए क्या लिखा गया है, डी MOSFET कैन बी ऑपरेटेड विथ VGS इक्वल टू जीरो कामा VGS इक्वल टू पॉजिटिव एंड VGS इक्वल टू निगेटिव, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, अभी समझाए भी थे कि हम लोग जो हम लोग का ये MOSFET है यन चैनल MOSFET कैसा डिप्लीशन टाइप वाला, इसको हम लोग कैसे ऑपरेट करा सकते हैं, VGS इक्वल टू जीरो पर भी ऑपरेट करा सकते हैं, VGS के पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी ऑपरेट करा सकते हैं और VGS के नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक। तो आगे फिर कुछ मैं लिखूंगा और फिर समझाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, ओके। देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक समझ चुके थे, अब इसके बाद क्या लिखना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं कि सिंस इन डी MOSFET चैनल इज प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग कामा देयर फोर इफ वोल्टेज VDS इज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स कामा ID विल फ्लोस फॉर VGS इक्वल टू जीरो, ठीक। लिखा गया है कि डिप्लीशन टाइप MOSFET में स्टार्टिंग से ही क्या रहता है चैनल प्रेजेंट रहता है, इस वजह से VGS के जीरो वोल्ट के लिए भी अगर हम VDS अप्लाई कर रहे हैं तो ID क्या करेगा फ्लो करेगा,
क्लियर, इस चीज़ को हम लोग समझे हैं। ठीक, अब अगर ये हम लोग VGS को 0 वोल्ट पे सेट कर दिए हैं, ठीक, तो अगर VDS अप्लाई किए हैं तो ड्रेन करंट फ्लो होना शुरू होगा। अब अगर हम ड्रेन करंट को क्या, अब हम क्या करें, इस VDS को बढ़ाते जाएं तो ड्रेन टर्मिनल पॉजिटिव होते जाएगा इस सबस्ट्रेट की अपेक्षा। इधर क्या है, ये सबस्ट्रेट है, बॉडी टर्मिनल है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सोर्स की अपेक्षा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सोर्स भी क्या है, सबस्ट्रेट से इंटरनल कनेक्टेड है। ठीक, सिंपली ऐसे समझिए, ये क्या बॉडी, ये सबस्ट्रेट है। ठीक, तो ड्रेन को जब पॉजिटिव करेंगे, ठीक, ये क्या है, इधर निगेटिव बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर निगेटिव आपस कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पर निगेटिव बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये टर्मिनल मोर पॉजिटिव, ये टर्मिनल मोर निगेटिव, मतलब पी टाइप ज्यादा निगेटिव, एन टाइप ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, यहां पर रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो यहां पे क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ड्रेन करंट है वो क्या होगा, जो तेजी से बढ़ रहा था वो अब लिमिटेड होने लगेगा, मतलब सेचुरेशन वाला कंडीशन आने लगेगा। ठीक, तो इसके बाद अगर मन करे तो आप यहां से लिख सकते हैं। ठीक, ये अभी आगे चल के फिर इसको समझाऊंगा, इसको अगर मन करे तो आप यहां से इसके बाद लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन वास्तव में नोट्स लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, देखिए इस लाइन के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, एज VDS इंक्रीजेस द रिवर्स बायस ऑफ ड्रेन टू सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। बताया ना कि अगर VDS को बढ़ाएंगे, VGS 0 वोल्ट पे सेट है, VDS को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये तो बस निगेटिव दिखाए हैं, अभी बात किस कर रहे हैं, 0 वोल्ट किस वजह से इसको कर रहे हैं, 0 सेट है। ठीक, तो अगर VGS हम लोग का 0 सेट है, VDS को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो ड्रेन और सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, जो रिवर्स बायस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो वही चीज देखिए लिखा गया है, एंड देयरफॉर जंक्शन विड्थ नियर सबस्ट्रेट ड्रेन जंक्शन इंक्रीजेज। अब जब यहां पर रिवर्स बायस क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहां पर जंक्शन की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, क्लियर, विच सब्सिक्वेंटली लिमिट द करंट टू सेचुरेशन लेवल, जिसके चलते बाद में क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, लिमिट हो जाएगा, लिमिटेड करंट फ्लो करने लगेगा और सेचुरेशन लेवल हम लोग को क्या होगा, करंट सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, कांस्टेंट करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक, कितना चीज क्लियर, मतलब ये अगर हम लोग मोर पॉजिटिव मोर निगेटिव करेंगे, डिप्लीशन की चौड़ाई बढ़ती हो जाएगी, पिंच ऑफ वाला कंडीशन आने लगेगा, तो करंट हम लोग का सेचुरेट होने लगेगा। ठीक, फिर लिखा गया कि द पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसको हम लोग मिनिमम वोल्टेज कहते हैं, पीछे भी इन सब चीज़ को पढ़े हैं, मतलब वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर क्या हो, विच लीड्स टू सेचुरेशन करंट इज कॉल्ड पिंच ऑफ करंट। ठीक, तो वो मिनिमम वोल्टेज जिस पर क्या होगा, हम लोग को सेचुरेशन करंट मिलने लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। उसी पर्टिकुलर वोल्टेज को जो मिनिमम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। ठीक, ऐसे समझिए, ये क्या है, करंट बढ़ना शुरू हुआ, अब वीडियोज बढ़ाते गए तो सेचुरेशन लेवल मिलना शुरू हो गया, यही जो मिनिमम वोल्टेज है, इसी मिनिमम पर्टिकुलर वोल्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। ये VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग वाला क्या है, आपका कर्व है। इतना चीज क्लियर। ठीक, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, इफ VGS एंड VDS बोथ आर सेट टू सम पॉजिटिव वोल्टेज। अब अगर हम क्या करें, इस VGS और VDS को कुछ पॉजिटिव वोल्टेज पर सेट कर लें, अगर आपको मन करे तो 0 वाला केस वाला फिगर बना लीजिएगा, इसको शॉर्ट सर्किट करके 0 वोल्ट दिखा दीजिएगा, और एक बार इसको गेट को पॉजिटिव और सोर्स को निगेटिव जोड़ से निगेटिव जोड़ के ये सेकेंड वाला भी केस आप दिखा दीजिएगा, और थर्ड वाला केस जो यहाँ लिखे हैं उसको बनाएंगे। ठीक, तो अगर मन करे 3 फिगर बना लीजिएगा। ठीक, वास्तव में बनाने की जरूरत नहीं, कॉपी भरने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को पॉजिटिव वोल्टेज पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, इस VGS को भी और VDS को भी, तब क्या होगा, देन गेट अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्रॉम द पी सबस्ट्रेट टू एन चैनल। तब क्या होगा, जो गेट होगा वो क्या करेगा, पी सबस्ट्रेट से एन चैनल में क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एंड दस रिड्यूसेस द चैनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो चैनल की चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब बताया ना कि जब चैनल की चौड़ाई बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक, क्योंकि अभी पीछे बताएं कि अगर ये चौड़ा है और ये पतला, दो केस है, दोनों सेम क्या है, मटेरियल के हैं, तो क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो करने देगा ना। तो वही लिखा गया कि चैनल, जिससे क्या होगा, चैनल का रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होगा, एंड इंक्रीजेज द ड्रेन करंट। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, ड्रेन करंट इंक्रीज करेगा। द मोर पॉजिटिव द गेट इज मेड द मोर ड्रेन करंट फ्लो। और फिर लिखा गया कि अगर गेट को हम और पॉजिटिव कर दें, चैनल चौड़ाई और बढ़ेगी, तो क्या होगा, ड्रेन करंट और ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक, अब इसके बाद अगर आपको बहुत बड़ा लिखने का शौक है, तो इसके बाद फिर यहां से लेकर यहां तक लिख लीजिएगा।
क्लियर। इसके बाद फिर यहां से यहां तक लिख लीजिएगा कि अब अगर हम VDS बढ़ाएं क्या होगा, तो वही घटना जो यहां पे हुआ था वही घटना फिर होगा। तो अब क्या होगा, अब VGS का कुछ पॉजिटिव वैल्यू, मतलब VGS का क्या होगा, कुछ ऐसा अब आएगा, ये VGS 0 है तो VGS पॉजिटिव क्या होगा, इसके ऊपर मिलेगा, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू पे क्या होगा, कुछ ऐसा हमको मिलेगा, मतलब ड्रेन करंट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि चैनल की चौड़ाई हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। तो VGS पॉजिटिव पे ड्रेन करंट क्या होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्या होगा, जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये सेचुरेशन होगा, सेचुरेट होगा करंट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। तो इसके आगे मन करे तो यहाँ से यहाँ तक छाप लीजिएगा, ओके। अब समझाने की जरूरत नहीं शायद इसको बार बार, ओके। अब देखिए क्या तीसरा केस आ रहा है, तो ये क्या, नाउ कंसीडर दैट द गेट टर्मिनल इज गिवेन नेगेटिव पोटेंशियल, वेयर एज ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल। अब क्या मान ले रहे हैं, अब ये जो फिगर बना है ये वाला केस मान ले रहे हैं कि अब गेट टर्मिनल निगेटिव है और ये क्या है, ड्रेन टू सोर्स वाला क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। कामा द इलेक्ट्रॉन इन यन रीजन विल रिपेल्ड, अब क्या करेगा, जब गेट टर्मिनल निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यन रीजन जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, पी टाइप रीजन, मतलब अब चैनल की चौड़ाई घटेगी। देखिए चैनल की चौड़ाई घटेगी मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कम करेंट फ्लो करेगा, ठीक। तो क्या है लिखा गया कि द इलेक्ट्रॉन इन एन चैनल विल रिपेल्ड, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे, ठीक, एन चैनल से, एंड हेंस करंट विल बी अफेक्टेड, और करंट क्या होगा, इससे अफेक्टेड होगा, कैसे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो बताया ना रिकम्बिनेशन होने लगता है। अरे भाई यहाँ क्या पी टाइप मटेरियल, होल मेजॉरिटी चार्ज कर रहे हैं, इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, होल को अट्रैक्ट करेगा, जब ये निगेटिव होगा तो होल को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दोनों का रिकम्बिनेशन होगा, ठीक। तो क्या होंगे, चार्ज कैरियर की संख्या कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, चैनल चौड़ाई होगा घटता हुआ चला जाएगा, जब चौड़ाई घटेगा तो पतला हो जाएगा चैनल, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट कम फ्लो करेगा, ठीक। तो वही लिखा गया है कि हेंस करंट विल बी अफेक्टेड, क्लियर। अब अगर मन करे तो इसके आगे आप यहां से यहां तक लिख धरिएगा, ठीक। फिर इसके आगे क्या फिनोमेना होगा, वो लिखा गया है कि अगर हम VDS को क्या करें, बढ़ाते जाएं, ठीक, तो क्या होगा, ये जो पिंच ऑफ वाला कंडीशन पहुंचने लगेगा, करंट लिमिट होने लगेगा, और अगर VGS को हम मोड निगेटिव करते जाएं तो क्या होगा, चैनल पतला होता जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, करंट जो है वो भी कम होते जाएगा, तो इसको मोड निगेटिव करने पे भी क्या होगा, करंट कम होगा, और इसको मोड पॉजिटिव करने पे भी क्या होगा, करंट जो है वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, इसको मोड निगेटिव करने पे करंट कम होगा, ठीक। जैसा ये देखिए VGS क्या है, मोड निगेटिव है तो जो ड्रेन करंट है वो कम होगा, ठीक, और VDS को बड़ा करने पे क्या होगा, सेचुरेशन जल्दी से क्या होगा, मिलने लगेगा, ठीक। ये VGS क्या है, निगेटिव वाला है, अभी इसको अलग से ड्रा कराएंगे, ये क्या है, ड्रेन करेक्टरिस्टिक है, क्लियर है चीज, ठीक। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आप जैसे लिखवाएं वैसे लिखिएगा, जो तीसरा वाला लिखिएगा उसमें आगे ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, ये चीज क्लियर, उसमें आगे ऐसे क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, क्लियर हो गया चीज ना। अब आगे बढ़े ना, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, अब हम लोग इसके करेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ड्रेन करेक्टरिस्टिक और ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक को समझेंगे, ठीक, लेकिन उससे पहले दो लाइन लिखा हूं उसको समझा दूं, फिर इस पर आऊंगा, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट कैन आल्सो बी यूज्ड एज इनहांसमेंट टाइप मॉस्फेट, ठीक। क्या लिखे हैं कि जो डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट है उसको हम लोग इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कब यूज किया जाएगा, जब हम लोग VGS को क्या करें, पॉजिटिव रखें, तो उस टाइम क्या होगा, वो इन्हांसमेंट टाइप भी यूज हो सकता है। आप देखे थे इन्हांसमेंट टाइप कब यूज होता था, जब VGS क्या रहता था, पॉजिटिव रहता था, ठीक। अब दूसरा लाइन देखिए क्या लिखे हैं, द सिमिलरिटी बिटवीन करेक्टरिस्टिक ऑफ डी मॉस्फेट एंड ई मॉस्फेट कैन बी आल्सो सीन। अब जो सिमिलरिटी है डी मॉस्फेट और ई मॉस्फेट के करेक्टरिस्टिक में, उसको नीचे हम लोग अभी देखिएगा देखेंगे, ठीक। तो ये देखिए हम लोग का क्या है, ड्रेन करेक्टरिस्टिक है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर ड्रेन करेक्टरिस्टिक, ठीक। ड्रेन करेक्टरिस्टिक होता क्या है, इस चीज को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, JFET के केस में पढ़े थे, ये ID और VDS में क्या होता है, प्लॉट होता है, ठीक, VGS के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए, ठीक। तो यहां पे मैं डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, अगर आपको मन करेगा तो डिफिनेशन वहां से लिख लीजिएगा, ठीक। फिर हम लोग ड्रेन करेक्टरिस्टिक को समझने के बाद ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, समझेंगे, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक क्या होता है, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक ID और VGS में क्या होता है, प्लॉट होता है एट कांस्टेंट VDS पे, ठीक। इसके भी डिफिनेशन को मन करेगा तो वहां से लिख लीजिएगा, ओके। अब देखिए स्टार्टिंग हम लोग पढ़े थे अभी कि अगर हम लोग का VGS क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो VGS के पॉजिटिव होने के साथ चैनल की चौड़ाई बढ़ेगी, तो ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ड्रेन करंट फ्लो करेगा, ठीक। तीसरे से देखिए VGS जो क्या है, पॉजिटिव है, उसको क्या किए हैं, सबसे ज्यादा हाइट दिए हैं, ठीक, क्लियर। और सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पे दी है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन करंट है वो क्या है, सबसे ज्यादा होगा, VGS = +1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ठीक,
क्लियर। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग VDS को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का जो करंट ड्रेन करंट है वो बढ़ना शुरू होता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या किए हैं, VGS को 1 वोल्ट फिक्स कर दिए हैं। मान लीजिए जो VGS है 1 वोल्ट क्या है, फिक्स है। ठीक, अब हम लोग VDS को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या होगा, करंट बढ़ेगा। ठीक, जैसे ही हम लोग का क्या होगा, ड्रेन और सबस्ट्रेट रीजन क्या होगा, ज़्यादा रिवर्स बायस होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जो जंक्शन है उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, जिससे क्या होगा, पिंच ऑफ कंडीशन आ जाएगा और वहाँ से क्या होगा, जो करंट है वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है चीज। ठीक, अब जब VGS इक्वल टू जीरो होगा तब भी क्या होगा, करंट हम लोग को मिलेगा, पीछे देखे थे, तो VGS इक्वल टू जीरो पे जो करंट होगा वो VGS के पॉजिटिव वैल्यू से क्या होगा, कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि जब VGS का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो दरमियान चैनल की चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ज़्यादा करंट बनेगा। लेकिन जब VGS जीरो होगा तो चैनल पर उसके हम लोग कोई फर्क डालना है गेट के वोल्टेज से, इसका मतलब क्या होगा, इस पॉजिटिव की अपेक्षा क्या होगा, कम करंट फ्लो करेगा। ठीक, इस वजह से देखिए इसका जो हाइट है VGS इक्वल टू जीरो का, उसका जो VGS इक्वल टू जीरो का जो हाइट है, ये हाइट VGS इक्वल टू 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग क्या है, कम है। ठीक, अब देखिए ड्रेन करंट का वैल्यू कम होना मतलब सेचुरेशन का जो सेचुरेशन करंट है उसका कम होना मतलब क्या, पिंच ऑफ का जल्दी मिल जाना। ठीक, तो यहाँ देखिए पिंच ऑफ क्या होगा, VDS के बड़े वैल्यू पे मिलेगा, यहाँ पे पिंच ऑफ क्या होगा, जल्दी मिल जाएगा। क्यों जल्दी मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए पिंच ऑफ जो है ये क्या है, जल्दी मिल जाएगा, यहाँ पिंच ऑफ क्या है, VDS के बड़े वैल्यू पे मिलेगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं ऐसे, क्लियर। जहाँ से क्या हो रहा है, सेचुरेट होना शुरू हो रहा है, उसी वोल्टेज को हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। पीछे हम लोग देखे थे, ठीक भाई, ड्रेन करंट का वैल्यू बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, ड्रेन करंट का हाइट बढ़ा है, तो क्या होगा, ज़्यादा देर तक ड्रेन करंट बढ़ेगा, फिर उसका कांस्टेंट होगा, मतलब VDS के ज़्यादा वोल्टेज तक क्या होगा, ये करंट बढ़ता रहेगा, उसके बाद VDS का जिस वैल्यू पे क्या होगा, ये कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, उसी को हम लोग पिंच ऑफ कहेंगे। ठीक, अब हम लोग VGS के वैल्यू को जीरो सेट कर दिए हैं। ठीक, तो VDS बढ़ाने पे बढ़ेगा, लेकिन इसके अपेक्षा कम होगा इसका हाइट, तब इसका हाइट कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी ही इस पे पिंच ऑफ आ जाएगा और जल्दी ही क्या होगा, सेचुरेट हो जाएगा, इसको हम लोग JFET पे समझे थे। क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए VGS को हम लोग माइनस 1 वोल्ट कर दे रहे हैं, मतलब चैनल की चौड़ाई को घटा रहे हैं, तो ड्रेन करंट क्या होगा, तेजी से घटना शुरू करेगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा, अब हम लोग VGS को माइनस 1 वोल्ट कर दिए हैं तो चैनल की चौड़ाई घटेगी, तब जैसे जैसे हम लोग VDS बढ़ाएंगे करंट बढ़ना शुरू होगा, लेकिन जो हम लोग का ड्रेन करंट है वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और उसका सेचुरेशन वैल्यू है वो पहले मिल जाएगा, VDS के कम वैल्यू पे ही मिल जाएगा, और जिस पे सेचुरेशन वैल्यू मिलेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज कहेंगे। ठीक, अब देखिए VGS को और निगेटिव कर देंगे तो चैनल की चौड़ाई और पतली होगी, तो और कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, मतलब चैनल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कम करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब जल्द ही हम लोग को क्या होगा, सेचुरेशन मिल जाएगा, मतलब उसके किस्म पिंच ऑफ और कम होगा। ऐसे ही हम लोग अगर VGS को और निगेटिव कर दिए तो क्या होगा, और जल्दी हम लोग को पिंच ऑफ मिल जाएगा, मतलब ड्रेन करंट और कम फ्लो करेगा। ठीक, और ऐसे ही अगर VGS को हम लोग और निगेटिव कर दें, मतलब जो हम लोग का VGS है वो अगर पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाए तो क्या होगा, उस टाइम ड्रेन करंट जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब उस टाइम कोई हमको ड्रेन करंट नहीं मिलेगा। ठीक, ये कर्व देखिए नीचे ब्लू लाइन से बना है ना, ये क्या है, VGS इक्वल टू पिंच ऑफ वाला, मतलब हम लोग इतना निगेटिव पोटेंशियल कर दिए हैं गेट पे कि क्या हो जा रहा है, स्टार्टिंग में वो पिंच ऑफ कंडीशन में पहुंच जा रहा है, तो किसी तरीके का ड्रेन करंट नहीं फ्लो होने देगा। ठीक, ये जो करेक्टरिस्टिक है VGS निगेटिव वाला, यहाँ से यहाँ तक अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो JFET वाले से भी समझ सकते हैं। ठीक, ये सेम करेक्टरिस्टिक हम लोग JFET में भी क्या किए थे, ड्रा किए थे, वही सेम करेक्टरिस्टिक यहाँ पर है ये निगेटिव वाला, क्योंकि JFET के केस में भी जो हम लोग ड्रेन करेक्टरिस्टिक बनाए थे उसमें VGS क्या था, निगेटिव था। ठीक, तो वही सेम केस है जो वहाँ पर मैं समझाया था। ठीक, तो वहाँ पर बताया था कि जब VGS क्या है, पिंच ऑफ के बराबर चल जाता है तो कोई ड्रेन करंट नहीं फ्लो करेगा, तो क्या होगा, ऐसे इस पर एक लाइन हम लोग ऐसे ड्रा कर देते हैं, मतलब ID का वैल्यू क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पे ऐसे एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इसको VGS इक्वल टू VP दिखा देते हैं। क्लियर, तो ये हम लोग का जो है ड्रेन करेक्टरिस्टिक मिल गया। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा उसको हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक, और जैसे VGS का जो वैल्यू है जीरो से बढ़ना शुरू होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो उसको हम लोग इन्हांसमेंट रीजन कहते हैं। और पीछे बताए भी हैं कि अगर डिप्लीशन टाइप MOSFET में अगर हम लोग क्या करते हैं, VGS के वैल्यू को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हम उसको इन्हांसमेंट टाइप MOSFET भी कह सकते हैं, मतलब डिप्लीशन टाइप
मॉस्फेट को हम लोग VGS का पॉजिटिव वैल्यू देके इन्हांसमेंट टाइप की तरह भी यूज कर लेते हैं। ठीक, वही चीज देखिए आप लिखे भी हैं कि एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट कैन बी यूज्ड एज इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट। ठीक, तो अगर डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट के केस में VGS के वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव देने लगे तो उसको हम लोग एज ए इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं। इस वजह जनरली हम लोग इसको इन्हांसमेंट रीजन भी कह देते हैं। ठीक, क्लियर, इतना चीज क्लियर। अब देखिए, अब जो हम लोग का काम है वो क्या है, हम लोग का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को समझना। ठीक, तो जैसे हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक JFET के केस में ड्रा किए थे वैसे आज भी ड्रा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, ID और VGS लिए हैं। ठीक, अब चूंकि देखिए आज के इस ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में VGS के तीन वैल्यू हैं, एक क्या है 0, एक पॉजिटिव और एक क्या है निगेटिव है। ठीक, आप चाहें तो +2 वोल्ट के लिए भी बना सकते हैं। ठीक ना, तो VGS के तीन वैल्यू हैं, तीस वजह से जो हम लोग का एक्सिस है उसको कुछ ऐसे बनाए VGS वाला, एक तरफ पॉजिटिव लिए हैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है और ओरिजिन क्या है आपका 0 है। क्लियर, अब यहाँ से क्या करेंगे, हर एक VGS के करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन वैल्यू है, हर एक VGS करस्पॉन्डिंग जो सेचुरेशन वैल्यू है उसको क्या करेंगे, ऐसे इधर बढ़ाना शुरू कर देंगे, ऐसे इधर बढ़ाना शुरू कर देंगे और नीचे जो VGS का वैल्यू है उसको लिखें -1, 2, 3 और इधर +1 लिख लिए हैं। ठीक, जो जो हम लोग लिए हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या है VGS = 0 वोल्ट है। क्लियर, ये VGS = क्या है 0 वोल्ट है। अब क्या किए हैं, इसको इधर से मिलाना शुरू किए हैं और जहाँ जहाँ पर ये आपस में क्या किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, जहाँ जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट किए हैं उसको हम लोग क्या किए हैं, मिलाते हुए चले गए। ठीक, ये देखिए पॉल पॉइंट, बस ऐसे कर लीजिएगा, इंटरसेक्शन नहीं। ठीक, जहाँ जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए सेचुरेशन वाला और VGS के वैल्यू उसको हम लोग मिलाते हुए चले गए। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे है वो क्या होगा, यहीं पे मिलेगा। क्लियर, अगर इसको हम सीधा लाएं तो क्या होगा, यहीं पे मिलेगा और जो यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज है वो भी क्या है, यहीं वोल्टेज है। ठीक, तो जिस पे देखिए पिंच ऑफ पे क्या है, करंट हम लोग का 0 है, तो यहाँ देखिए पिंच ऑफ पे जो ID का वैल्यू है वो क्या है 0 मिल गया है। ठीक, और ये क्या है -3 वोल्ट पे ID का वैल्यू ना, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं इतना वैल्यू है। ठीक, ऐसे ही ये -2 वोल्ट पे है, ये -1 वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे देखिए क्या है, इतना सेचुरेशन करंट है तो वही यहाँ दिखाया गया, 1 वोल्ट पे इतना है इतना दिखाया गया। ठीक, एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम लोग JFET पढ़ते थे तो जो IDSS होता था उसको हम लोग कहते थे कि ये 0 वोल्ट पर क्या है, ये 0 वोल्ट पर हम लोग का मैक्सिमम करंट है, लेकिन इसमें डिप्लीशन टाइप मॉस्फेट में हम लोग VGS को 0 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी इसको यूज कर सकते हैं। इस वजह से इसमें IDSS का जो डिफिनीशन होगा वो ये नहीं होगा कि 0 करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है IDSS होगा, ये हम नहीं कहेंगे। ठीक, हर एक VGS के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम लोग IDSS कहेंगे। ठीक, बात समझ में आया, वहाँ IDSS को लिखवाया था तो बताया था कि जो IDSS होता है ये क्या होता है, जब गेट और सोर्स शॉर्ट सर्किट रहता है उस दरमियान जो मैक्सिमम करंट होता है उसको हम लोग IDSS कहते हैं, और वो मैक्सिमम होता ही था क्योंकि VGS हम लोग का पॉजिटिव नहीं होता था एन चैनल JFET में, लेकिन MOSFET में देखिए VGS क्या है, पॉजिटिव भी जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये IDSS का जो डिफिनेशन है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, IDSS जो होगा हर एक VGS करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम सेचुरेशन करंट होगा, और वहाँ पे IDSS फिक्स था, वहाँ पे जो IDSS था वो बस 0 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम था और उसके बाद जो भी करवाते थे वो इससे कम ही करंट देते थे। जाहिर सी बात है VGS = 0 करस्पॉन्डिंग जितने कम वोल्टेज के हैं वो सब कम करंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इससे बड़ा ही मिल रहा है, इस 0 वोल्ट का करस्पॉन्डिंग जो करंट है उससे ज्यादा भी हम लोग को सैचुरेशन करंट मिलने वाला है। इस वजह से यहां पर IDSS का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। ठीक, यहां पर IDSS क्या होगा, हर एक VGS करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम सैचुरेशन करंट होगा। वहां पर JFET केस में IDSS क्या था, जब गेट टू सोर्स टर्मिनल क्या थे, शॉर्ट सर्किट थे, मतलब VGS = 0 वोल्ट था, तो उस दरमियान मैक्सिमम ड्रेन करंट था। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को समझ चुके हैं। ठीक, ये क्यों ऐसा थोड़ा सा कर्व टाइप में आता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं ना तैसे तैसे क्या होता है, तेजी से जो हम लोग का ड्रेन करंट कम होता जाता है, मतलब इनके जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें रीडिंग निकालेंगे तो देखेंगे गैप कम होता जाता है। ठीक, तो जब ये गैप क्या होगा, कम होता जाएगा, तो क्या होगा, जो ग्राफ हम लोग का वो लीनियर ना होकर कुछ ऐसे बनेगा, कर्व टाइप बनेगा। ठीक, अब देखिए इधर का जो रीजन है ये क्या है, VGS का पॉजिटिव वैल्यू वाला रीजन है, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इधर जो हम लोग का ग्राफ है ये इन्हांसमेंट रीजन वाला ग्राफ है या इन्हांसमेंट मोड वाला ऑपरेशन इधर हो रहा है। ठीक, और इधर क्या है, VGS का निगेटिव वैल्यू, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये डिप्लीशन रीजन वाला ग्राफ है या इधर डिप्लीशन मोड वाला ऑपरेशन हो रहा है। ठीक, ये मैं इन्हांसमेंट मोड वाला ऑपरेशन या इन्हांसमेंट रीजन और डिप्लीशन मोड वाला ऑपरेशन या डिप्लीशन रीजन जो कह रहा हूँ उसके बाद समझा देता हूँ ताकि आपको किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो देखिए जब हम लोग JFET पढ़े थे तो JFET में हम लोग क्या करते थे, VGS का निगेटिव वैल्यू लेते थे और उस निगेटिव वैल्यू को क्या करते थे, जब बढ़ाते थे तो जो चैनल था उसकी चौड़ाई क्या होती थी, घटती थी, मतलब रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होता था, बढ़ता था।
चैनल चौड़ाई घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता था ठीक, साथ ही साथ जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या होता था, चौड़ा होता जाता था ठीक। तो जब हम लोग क्या करते हैं, चैनल की चौड़ाई को घटाते हैं और रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ डिप्लीशन रीजन जब हम लोग का चौड़ा होता है तो उस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग डिप्लीशन मोड ऑपरेशन कहते हैं ठीक। तो ये कब होता है, जब VGS का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है ठीक। तो देखिए VGS का वैल्यू क्या निगेटिव है, इस वजह से इस तरीके का ऑपरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इस रीजन जो ऑपरेशन होगा उसको हम लोग डिप्लीशन मोड वाला ऑपरेशन कहेंगे, और जो रीजन है वो डिप्लीशन रीजन कहलाएगा। इधर भी देखिए क्या है, VGS का वैल्यू क्या है, इधर भी VGS का वैल्यू निगेटिव है तो इसमें जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, डिप्लीशन मोड वाला ऑपरेशन होगा ठीक। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, चैनल की चौड़ाई को बढ़ाने लगे तो चैनल का रेजिस्टेंस कम होगा, चैनल का रेजिस्टेंस कम होगा साथ ही साथ क्या होगा, वहां पर जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ने लगी ठीक। क्लियर, चैनल की चौड़ाई को बढ़ना मतलब क्या है, जो चैनल है वो क्या हो रहा है, इनहांस होने लगेगा ठीक। और जब इन्हांस होने लगेगा तो ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, करंट वगैरह फ्लो करेगा। लेकिन ये इन्हांसमेंट होगा कब, इसको हम लोग इन्हांसमेंट टाइप मॉस्फेट में देखे थे कि जब VGS का वैल्यू क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है तो चैनल की चौड़ाई बढ़ती है, जिससे क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, करंट फ्लो करते हैं ठीक। तो अगर VGS का पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो उस तरीके का उस टाइम जो ऑपरेशन होगा उसको हम लोग इन्हांसमेंट मोड ऑपरेशन कहते हैं ठीक, और जो रीजन होगा उसको हम लोग इन्हांसमेंट रीजन कहते हैं ठीक। तो VGS का जो पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग इनहांसमेंट रीजन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें चैनल की चौड़ाई को बढ़ा के हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ठीक। डिप्लीशन रीजन में क्या करते हैं, चैनल की चौड़ाई को कम करते हैं, तो चैनल की चौड़ाई किसमें कम करके क्या करते हैं, काम करते हैं ठीक। साथ ही साथ आप देखे थे जब चैनल की VGS वैल्यू को निगेटिव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, एन रीजन से पी रीजन जा रहे थे, मतलब डिप्लीट हो रहे थे, मतलब डिप्लीशन टाइप वाला हम लोग ऑपरेशन इसमें कर रहे थे। और जब VGS पॉजिटिव है तो क्या कर रहे हैं, चैनल को इनहांस कर रहे हैं, मतलब इनहांसमेंट मोड वाला ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब चैनल को चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा तो उस दरमियान जो ऑपरेशन होगा उसको हम लोग इन्हांसमेंट मोड ऑपरेशन करते हैं, और जब चैनल की चौड़ाई को घटाया जाता है उस दौरान जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन मोड ऑपरेशन कहते हैं। तो चैनल चौड़ाई बढ़ेगा कब, जब VGS पॉजिटिव होगा, चैनल चौड़ाई घटेगा कब, जब VGS निगेटिव होगा। इस वजह से इन्हांसमेंट रीजन, डिप्लीशन रीजन, ये इन्हांसमेंट, ये डिप्लीशन रीजन ओके। इस तरीके से हम लोग जो डी मॉस्फेट है उसको क्या कर लिए, कम्प्लीटली फिनिश कर लिए ओके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।